बरकातहू। आज का जो ये एक छोटी सी वीडियो है, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो बाकी हमारी इंटरनल मीटिंग चल रही है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना रिकॉर्ड भी कर लें तो इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, आप लोगों को बताना आज ये है कि समझाना भी यही है कि हम अब जो फेसबुक पे हम ऐड रन कर रहे होते हैं ना, तो उन पे सबसे ज़्यादा जो हमें कह लें कि रिस्पॉन्स मिल रहा होता है ना, सबसे अच्छा रिस्पॉन्स जो मिल रहा होता है वो हमें मिलता है वीडियो एड्स का। यानी कि फेसबुक पे जो वीडियो एड्स हैं उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा होता है। तो हमने आज फेसबुक एड्स को ही हम गो थ्रू करेंगे कि हमने किस तरह करना है। मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूँ आप लोगों को, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको भी दोबारा से करते हैं। पहली बात तो यह है कि हमारा जो पेज है ना फेसबुक का, वो थोड़ा बहुत कह लें कि अलाइन होना चाहिए। अलाइन से मुराद ये कि उसके अंदर चीज़ें जो हैं वो ऑलमोस्ट सेटल्ड होनी चाहिए। सेटल से मुराद ये कि मिसाल के तौर पर जब आप अपने पेज पे आते हैं, तो आप ये वाली जो सारी चीज़ें हैं, ये 13 स्टेप जो हैं ये कंप्लीट होने चाहिए। अब इसमें करने के लिए क्या है, लोकेशन सबसे पहले पूछता है आपसे, तो आप लोकेशन डाल दें मिसाल के तौर पर ये लाहौर का है। तो आप पहले तो सबसे पहले इसमें लोकेशन ऐड कर दें अपनी, कोई भी जो भी आप मतलब जिस जगह आप रह रहे हैं, सिटी लाहौर ही है, पोस्टल कोड यही है, और दैट्स इट। ये खुद ब खुद सेव हो जाता है, जैसे ही आप इसे कंप्लीट करते हैं तो ये सेव हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आ भी रहा है कि ये सेव हो गया ये चीज़। अच्छा, एड्रेस हमारा सेव हो गया। फिर डिस्क्रिप्शन लिखनी है, डिस्क्रिप्शन आप जो आपका स्टोर है आप उस स्टोर के मुताबिक लिख दें, क्योंकि ये जो हमारा पेज है, ये जो स्टोर है हमारा, ये बेसिकली इस चीज़ के लिए है कि हमने ये दराज के लिए यूज़ करना है। तो इसका जो नाम है, पहले तो मैं वो कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, ये ना एक एक्सटेंशन है, इसका नाम है ग्रामरली, सही है। तो ये फ्री में आती है, इसका फ्री वर्जन इंस्टॉल कर लें गूगल क्रोम से, तो इंशाल्लाह आपकी मिस्टेक बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाते हैं। ये अगर कोई स्पेलिंग एरर हो, कोई लिखने में एरर आ जाए, तो ये उसको भी ठीक कर देता है खुद ब खुद। अच्छा, आप लोग देख रहे हैं कि मैंने ये, क्योंकि हमारा स्टोर फेसबुक के लिए दराज के लिए हमें ज़्यादा यूज़ करना है, तो हमने इसको दराज का भी टच देना है। ऑप्टिमाइज्ड इन ई कॉमर्स, ये मैं कोई टेस्ट नहीं करके दिखा रहा, ये मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूँ, ये अभी मैंने लाइव कर देना है इस प्रोडक्ट, यानी कि जो मैं लिख रहा हूँ मैंने यही इस पेज के लिए यूज़ करना है। तो इसको हम एज अ रेफरेंस लेके चलेंगे, आप इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं।
ये मैंने लिखा है, तो ये एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन है, तो आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। ये आपने हर स्टोर के मुताबिक लिखना है, जिस तरह का वो स्टोर है आपने उस तरह का ही वो सब कुछ वहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन बनती थी, मैंने ये लिख दी है, ये सेव हो गई है। अच्छा जी, अब आगे हम चलते हैं। ये चीज़ तो हमने क्लियर कर दी है, मैं इसे ज़रा रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि वो जो चीज़ें हमने ऐड की हैं वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाए। लोकेशन भी आ गई है, डिटेल भी आ गई है जो हमने ऐड की थी। अब ये पूछ रहा है वेबसाइट का, तो चूंकि हमारे पास कोई स्पेसिफिकली वेबसाइट नहीं है, हमारा जो दराज का स्टोर है हमने उसी की वेबसाइट को यहाँ पर दे देना, यानी कि जो हमारी यानी कि जो भी दराज के जो स्टोर का लिंक बनेगा वो हमने यहाँ पर दे देना है, तो वो एज अ वेबसाइट यूज़ होगा। तो मिसाल के तौर पे, अच्छा एक मिनट दीजिएगा। अच्छा ये हमारे स्टोर का लिंक है, ये ऊपर यूआरएल से मैंने इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मैंने वेबसाइट वाले ऑप्शन में आना है, मैंने यहाँ पर अपना वेबसाइट का लिंक दे देना है। अच्छा ये यहाँ पर एंटर करने के बाद आपने ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पर जब तक ये लिखा ना है कि सेव चेंज, तो तब तक आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, मेक श्योर कर लीजिएगा कि यहाँ पर लिखा आ जाए कि आपका एड्रेस जो है वो चेंज हो गया है। अब आप इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये दोबारा आ जाएगा। वो कहता है आपका ईमेल है, मैं कहता हूँ ठीक, मैं देना नहीं चाहता तो मैं लिख देता हूँ कि मेरे पेज पर ईमेल है ही नहीं। तो फिर वो कहता है अपने बिजनेस और जो है, मैं कहता हूँ हम हमेशा ही ऑलवेज ओपन है हम, ठीक है। ये भी हो गया, अब मैं इसे दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि अच्छा यहाँ पर आप फेसबुक का जो बटन है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि हमने इसे बनाना है अपनी दराज स्टोर के लिए, तो मैं इसे दे देता हूँ शॉप नाउ का बटन। यार यहाँ पर शॉप नाउ का बटन नहीं आ रहा। तो खैर ये कॉन्टेक्ट का फॉर्म आ रहा है, लेकिन यहाँ पर शॉप नाउ का बटन आना चाहिए, इस स्टोर पे शॉप नाउ का बटन नहीं आ रहा। खैर इसमें आई गेस कोई मसला आ रहा है, वरना यहाँ पर शॉप नाउ का बटन होता है, हम जनरली यूज़ करते हैं शॉप नाउ का बटन, तो वो भी मतलब हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। अच्छा अब इसके बाद दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि हमारे तकरीबन ये वाले स्टेप पूरे हो गए हैं, ये 13 स्टेप होते हैं, तो ये हमने मतलब ये क्या पूछ रहे हैं। मतलब ये 13 स्टेप हमारे अब तक कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। यानी कि अब ये पेज कम से कम रिफाइन है, यानी कि जो 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 चीज़ें हमें चाहिए थी वो चीज़ें हमने यहाँ पर एटलीस्ट डाल दी हैं। अब मैंने क्या करना है कि मैंने यहाँ पर पोस्ट कर देनी है, पोस्ट मैंने क्या करनी है, जो मेरी प्रोडक्ट्स हैं मैंने उनकी डिटेल पोस्ट करनी है यहाँ पर, सही है।
अब मिसाल के तौर पे मेरी ये प्रोडक्ट है, तो मैंने इसकी जो कोई भी इमेज है, इसकी इमेजेस हमारे पास पड़ी होंगी, चीज़ों को ना एफिशिएंट तरीके से किया करें, मतलब गंद ना डाला करें, जो कहने का मतलब है ना, कि हर चीज़ को एक उसके डिफाइंड तरीके से होनी चाहिए। वो ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही बेढंगी पड़ी है, तो वो हर चीज़ उस एक फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैंने अच्छा जी, ये हो गया। अब मैंने डालना है अपने स्टोर के ऊपर लिंक, और मैंने पोस्ट करनी है। मिसाल के तौर पे मेरी पहली प्रोडक्ट है, मैं इसी को ले लेता हूँ। मैं जो पहली प्रोडक्ट है, हम पहली प्रोडक्ट को ही अपलोड करते हैं। आई गेस पहली प्रोडक्ट तो यहाँ पर अपलोडेड है भी, लेकिन फिर भी मैं दोबारा कर देता हूँ उस चीज़ को। अच्छा जी, अब्दुल सलाम आई स्टोर मिसाल के तौर पे मेरी ये प्रोडक्ट है। अब खैर, ये उन्होंने शॉप भी बना दी है जो जिसने पेज बनाया था, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट को टैग वगैरह भी दे सकते हैं। खैर, यहाँ पर मैं वैसे अगर जनरली देना होता तो मैं यहाँ पर मैसेज का कर देता हूँ। अभी के लिए क्या करना है, क्योंकि फ्लोलेस है तो फ्लोलेस हेयर रिमूवर। अल्लाह हू अकबर। अच्छा, मैंने इसका ये टाइट मैंने क्योंकि लिखना सिर्फ यही था, मैंने इसका सिर्फ टाइटल देना है, फ्लोलेस हेयर रिमूवर फॉर वुमेन फीमेल। तो ये एक ही चीज़ लिख दी जाए तो बेहतर है। अच्छा, उसके बाद एक वेबसाइट है जिसका नाम है बोल्ड टेक्स्ट ऑन फेसबुक, ठीक है? तो ये आप जब इसके लिखेंगे, इसका नाम है ये टेक्स्ट YAY, तो text.com। जब इसके ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पर बोल्ड का ऑप्शन होता है, ये बोल्ड के, क्योंकि मैंने सर्च ही बोल्ड का किया, यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको। तो मैंने जो कॉपी किया था वो मैंने यहाँ पर पोस्ट करना है, और यहाँ पर ये बोल्ड वाला जो आ रहा है पहला, मैंने इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करके मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है? ये एक ही चीज़ होती है, वोमेन और फीमेल्स एक ही होती हैं तकरीबन, उसमें बहुत दूसरा फर्क होता है जो कि हम लोग नहीं डिफाइन कर सकते। अच्छा, उसके बाद मैंने ये एफ कैपिटल मुझे चाहिए, तो मैंने दोबारा इसे कॉपी कर लिया यहाँ से, ठीक है? अच्छा, ये मैंने लिख दिया। फिर मैंने लिखनी है इसकी प्राइस, के अभी कितने में हम बेच रहे हैं। हम बेच रहे हैं 332 रुपये में, तो मैं लिख दूंगा ओनली इन 333 RS। सही है, शॉप ये। फिर मैंने लिख देना है कि नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उससे जाके बाय कर लें। मैंने इसका लिंक यहाँ पर कॉपी करना है और मैंने यहाँ पर जाके पेस्ट कर देना है। सही है, ये मेरी पोस्ट तैयार हो गई। अच्छा, अब ये मैंने फ्लोलेस हेयर रिमूवर फॉर फीमेल, मतलब मैंने ये दिया है। आप इसके अंदर एक और काम भी कर सकते हैं, आप इसके नीचे आगे बिल्कुल यहाँ पर टैग्स भी दे सकते हैं, अगर आपकी प्रोडक्ट का कुछ है तो हैश आगे, ये वाला जो सैम्बल होता है इसे हम टैग कहते हैं। इसके आप फीमेल
मतलब आप यहाँ पर टैग्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ अभी समझाने के लिए आपको कहा कि आप इस तरह टैग भी यूज़ कर सकते हैं। टैग से क्या होता है कि आपकी रीच जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये मैंने इसको पोस्ट कर दिया है, और ये जो ये हमारी एक पहली पोस्ट तैयार हो गई है इस तरह, ठीक है, यानी कि पहली हमारी जो प्रोडक्ट है वो इस तरह लाइव हो गई है। अब देखें, एक यहाँ पर ये जो बोल्ड टैक्स करने का क्या फ़ायदा था, अच्छा पेज के ऊपर ना एक्स्ट्रा यूजलेस पोस्टें नहीं होनी चाहिए, ये आप देख लीजिएगा। उससे होता तो क्या है, होता तो खैर कुछ नहीं, लेकिन ये है कि वो फजूल में नहीं होना चाहिए। कि एक होता है ना कि बस हमें रश डाला हो फजूल में। अब जैसे यहाँ पर जब आप अपने एड्रेस वगैरह भी चेंज करते हैं तो वो चेंज हो जाता है, यहाँ पर पोस्ट बन जाती है ऑटोमेटिकली उसकी। तो आप कोशिश करें कि वो यहाँ पर क्रिएट ना हो, यानी कि वो एक पेज के ऊपर एक जो जंक होता है ना, जो एक्स्ट्रा नॉलेज होता है, वो ना हो, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें हों, इसके अलावा कोई चीज़ ना हो, ताकि वो आपके जो काम का एक कस्टमर का फ्लो है वो डिस्टर्ब ना हो पेज को अच्छे तरीके से। उसका बैकग्राउंड ये खैर उन्होंने पहले ही किया हुआ है, लेकिन आप लोगो शोगो भी अच्छे तरीके से डालें, हर चीज़ डाल के फिर आप उसे यस करवा दें। अच्छा, ये तो मैंने इस तरह पोस्ट कर देनी थी, इस तरह जितनी भी आपकी प्रोडक्ट हैं आप उन्हें इसी तरीके से पोस्ट कर दें, ठीक है। आप नोटिस कर रहे हो तो मैंने यहाँ पर स्पेसेस दी हैं, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को किस तरह कंटेंट राइटिंग करनी होती है। उसे जितना जल्दी सीख लें, जितना अच्छा सीख लें, आप ही की जिम्मेदारी है। उसके बाद हमने बनानी है जी वीडियो। ये एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है कैनवा, CANAVA, canva.com, ठीक है। ये फ्री में, इसके इसका पेड वर्जन भी है, इसका फ्री वर्जन भी है, दोनों एक ही जगह है। आप जाके लॉगिन साइन अप कर लीजिएगा। आपने यहाँ से इसके जब आप पहले ओपन करते हैं इस वेबसाइट को, मिसाल के तौर पे मैं दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ, जब आप इसे दोबारा यानी कि इस वेबसाइट को लॉगिन करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर आ रहा होता है वीडियो का ऑप्शन। आपने वीडियो पे जाना है, फेसबुक वीडियो पे जाना है, ठीक है जी। अभी तक हमारा ये इसका हमें ज़रूरत नहीं है, इसकी हमारी ज़रूरत शायद पड़ जाए, ठीक है जी। अच्छा जी, तो मैं वीडियोस पे आ गया। यहाँ पर इनके ना टेम्पलेट होते हैं, आप डिफरेंट टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। ऐड बनाना को बहुत लंबा चौड़ा काम ही आप खुद बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कोई भी एक ऐड ले लेता हूँ जो मुझे पसंद आता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो यहाँ पर मेन नज़र आए और फिर साथ में थोड़ा सा आइकन भी नज़र आ जाए। अब मैं ये वाला चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, मैं इसे चूज़ करता हूँ। ये साइडों पे ज़रा इसके स्टिकर भी लगे हुए हैं तो ज़रा प्यारा लगता है ये। मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, आप इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह आप चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। और बहुत आसान है, कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अपनी वीडियो चाहिए। यहाँ पर ये साइड पे अपलोड आना, अपलोड का ऑप्शन आ रहा है। अपनी वीडियो से मुराद के मुझे यहाँ पर अपनी वो चाहिए, अपनी इमेजेस चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए मैं कहता हूँ कि मैंने दो इमेजेस यूज़ करनी है, लेट्स सपोज। तो मैं ये दो वाली, खैर मैंने एक ही यूज़ करनी है इमेज, लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए दो इमेजेस मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर अपलोड होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये मुझे क्योंकि और भी इमेजेस चाहिए इसकी, तो मैं पहले तो मुझे ये लोगो चाहिए था एक, इसका मैंने लोगो कर दिया। फिर मुझे आई लैशेज की भी मुझे वीडियोस चाहिए, ये है। और सपोज मुझे ये भी दो वीडियोस चाहिए थी, एक इमेज मुझे और चाहिए जो मैंने अभी डाउनलोड की थी वहाँ, ये वाली। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर पहले ना एक इंट्रो बनाना है अपने, यानी कि जो मेरा पेज है, जो मेरी शॉप है ना, मैंने उसका एक इंट्रो बनाना है यहाँ पर। तो इंट्रो में मैं क्या लिखूँगा कि पहली बात तो ये कि मैं इसके ऊपर टेक्स्ट डालूँगा। जो मैं ये लेफ्ट साइड पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं टेक्स्ट के, आप देख लीजिएगा। एक यहाँ पर ये ऑप्शन है, ये ह्यूज सेल का,
मैं इसे वैसे यूज़ कर लेता हूँ। वैसे यूज़ करने से मुराद ये कि मैं ये ज़रा पेज के ऊपर अच्छा लगता है, ठीक है। मैंने ह्यूज सेल का ऑप्शन डाल दिया यहाँ, एक आइकन डाल दिया। उसके बाद मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि क्योंकि हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो दराज के ऊपर वो 50% डिस्काउंट पे ही हैं, तो मैं ये 50% लिख दिया मैंने। खैर ये टेक्स्ट नहीं अच्छा, हम इसे कोई और यूज़ करते हैं। ये नज़र सही पेज पे नहीं नज़र आ रहा है। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं, जो आपको चाहिए हो, मतलब जो आपको सही लगे। मतलब मुझे, मैं कहता हूँ मुझे शायद ये वाला बेहतर लगे, तो मैं कहता हूँ 50% ऑफ, ठीक है। तो ये मैंने एक बना लिया आई कैचिंग। अच्छा, इसका मुझे कलर नहीं पसंद आ रहा, तो मैं क्या करूँगा कि मैंने इसे सेलेक्ट किया, यहाँ पर कलर का ऑप्शन है, मैं इसे रेड कलर दे दूँगा, ठीक है। तो वो रेड में हो गया। इसी तरह ऑफ है, मैं इसके ऊपर कलर पे जाता हूँ, तो ये ऑफ हो गया, 50% ऑफ। तो ये आप अपनी मर्जी से जो चीज़ें आपने अलाइन करनी है आप अलाइन कर सकते हो। ठीक हो गया जी। अब मैं यहाँ पर जो मैंने अपने स्टोर का लोगो अपलोड किया था, तो मैं स्टोर के लोगो को ले आता हूँ। और मैं पहली बात तो यहाँ पर कुछ, मतलब कुछ भी चल जाए, कोई हार्ड एंड फिक्स नहीं है, लेकिन ये है कि कोशिश करें कि जो स्टोर का लोगो या स्टोर की जो विजिबिलिटी या पहली पोस्ट जो है, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब मतलब ह्यूज सेल का मैंने ये डाल दिया। अब मैं यहाँ पर वैसे लिखना चाहता हूँ, मेरा दिल है यहाँ पर लिखा आ जाए कि शॉप योर फेवरेट ब्यूटी प्रोडक्ट्स। मतलब मैं कुछ इस तरह का लिखना चाहता हूँ, एक टैग लाइन में लिखना चाहता हूँ यहाँ पर। ये मेरा पर्सनली दिल कर रहा है, तो मैं इसको ज़रा छोटा करता हूँ स्टोर के लोगों को, और मैं इसे ऊपर डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ डाल देता हूँ कि मतलब मुझे, मेरा ऐसा दिल कर रहा है कि यहाँ पर होना चाहिए कुछ, ताकि जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो। अच्छा, मैंने ये डाल दिया है कि मैंने कहा ह्यूज सेल है, 50% ऑफ है, सही है। और यार ये अलाइन, ये आप अलाइन कर सकते हैं, ये बेसिकली जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप इसे वहाँ से अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। ये मेरे स्टोर का लोगो है, शॉप योर फेवरेट प्रोडक्ट, फेवरेट ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर डालना है कि ये जो नीचे टेक्स आ रहा है, मैंने इसकी जगह डालना है, लेट्स अज्यूम कि मैंने इसकी जगह डालना है शॉप नाउ। अच्छा जी, ये हो गया, लेकिन ये बहुत छोटा आ रहा है, तो मैंने इसे बड़ा करना है। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ ये बड़ा हो जाए, सही है। मैंने इसे बोल्ड कर दिया है, मैं थोड़ा इसका साइज बड़ा कर देता हूँ। अब ये मेरा पहला पेज बन गया। अब यहाँ पर ना इसका टाइमिंग नजर आ रही है आपको, ऊपर नजर आ रहा है एडिटिंग टाइम, तो मैं ये 5 सेकंड कह रहा है शो होगा, मैं कहता हूँ ये 5 सेकंड शो ना हो, मैं चाहता हूँ कि ये 3 सेकंड शो हो, ठीक है।
ये मेरा पहला पेज होगा। दोबारा मैं टेम्पलेट के ऊपर जाऊंगा, तो टेम्पलेट के ऊपर जाके वहां पर मेरी जो प्रोडक्ट्स थी, यानी कि मैं चाहता हूँ कि अब मेरी जो प्रोडक्ट है वो ये वाली जो तस्वीर है वो आए, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। मैं कहता हूँ कि इसे ऐड न्यू पेज के ऊपर चला जाए, तो ये ऐड न्यू पेज का कहता है। तो मैंने तो पहली बात तो है कि मैंने यहाँ पर अपनी इमेजेस ही लगानी है, तो मेरी पहली जो प्रोडक्ट है वो ये है, क्योंकि इस पे ज़रा नज़र भी आ रही है, आंखें वगैरह भी बनी हुई हैं। तो सही है। अब यहाँ पर मैंने लिख देना है जो भी मेरी प्रोडक्ट है। अब मेरी प्रोडक्ट का जो नाम है वो है आई लाशेज पैक ऑफ 12, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने ये कॉपी किया। अब इसका फ़ॉन्ट अच्छा नहीं है, तो मैंने फ़ॉन्ट यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कुछ भी चूज़ कर लेना है, जो यानी कि जो बेहतर है। अच्छा, ये थोड़ा सा टिल्ड है, मैं इसे सीधा करूँगा। अच्छा, ये सीधा हो गया है, पैक ऑफ 12। अच्छा, ये बहुत छोटा है, लेकिन मैंने इसे ना बड़ा करना है। मैंने कंट्रोल आर किया, तो मैं इसका साइज बड़ा कर दूंगा थोड़ा। मैं कहता हूँ लेट्स से 40, और मैं यहाँ पर इसकी प्राइस भी लिख देता हूँ। ओनली हम इसे बेच रहे हैं लेट्स से के 299 RS के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ा गैप है, तो गैप को कम करने के लिए मैं स्पेसिंग थोड़ी कम कर दूंगा यहाँ से। ये बेसिकली मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी आपको उतना ज़्यादा चलाना आएगा। कोई भी चीज़ है, ये वो हर इंसान को तभी आती है जब वो इंसान उसके अंदर, जाहिर सी बात है कि एक प्रैक्टिस कर रहा होता है बार बार। तो मैंने ये कर दिया, तो अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ना इस तरफ ये जो मेरा आइकन है यहाँ पर एक ना एरो आ जाए नीचे की तरफ, जो कि क्लिक कर रहा हो इस ऐड की तरफ। क्योंकि जब हम फेसबुक पे इस तस्वीर को लगाएंगे ना, तो यहाँ पर एक ऐड आ रहा होगा, यानी कि एक यहाँ पर शॉप नाउ का बटन आ रहा होगा। तो मैं चाहता हूँ एलिमेंट्स के ऊपर आया, मैं कहता हूँ कि मुझे ना एक एरो चाहिए, एरो मुझे चाहिए रेड कलर का जो कि हाईलाइट हो। तो मैं कहता हूँ कि एक मुझे अच्छा ऊपर ही था एक, वो देख लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर था। मैं कहता हूँ मुझे ये वाला चाहिए, ठीक है। लेकिन अब मैंने इसे 360 रोटेट कर देना है, सही है। मैंने इसे छोटा किया जरा, अब ये मैंने इधर प्लेस कर दिया, ठीक है। अब इसे हुआ क्या कि ये नीचे को पॉइंट आउट कर रहा है, यानी कि नीचे कोई चीज़ है, मतलब यहाँ पर एक लिंक आएगा उसके ऊपर इसने क्लिक करना है कस्टमर ने। अब मैं कहता हूँ इसकी टाइमिंग 5 सेकेंड है, मैं इसे 3.5 सेकेंड कर देता हूँ, बहुत है। अब क्योंकि मैंने एक और इमेज बनानी है, तो वो भी मैं चाह रहा था वो इसी तरह की हो जाए या दूसरी हो जाए, तो मैं एक और इमेज बना लेता हूँ। वो इमेज है लेट्स से के, चलो अभी के लिए क्या करते हैं कि हम इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। मैं इसी के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, डुप्लीकेट, मैं फिर क्लिक करूँगा डुप्लीकेट, क्योंकि हमारी इस तरह की 3 प्रोडक्ट हैं, ठीक है। ये है, मैं इसकी यहाँ से तस्वीर हटा दूंगा, तो मेरी जो अगली प्रोडक्ट है, बल्कि मेरी जो पहली प्रोडक्ट है, पहली प्रोडक्ट मेरी है ये हार, यानी कि जो जो भी है यार, ये से फ्लॉलेस कहते हैं, ठीक है, फ्लॉलेस हेयर रिमूवर।
अच्छा, अब इसका जो नाम है मैंने वो नाम कॉपी कर लेना मैंने वो यहाँ पर डाल देना। अभी के लिए मैं कहता हूँ और सिर्फ अगर फ्लॉलेस हेयर रिमूवर अगर मैं लिखूँ तो वही बेस्ट है, ठीक है। और इसकी प्राइस जो भी है, इसकी हम प्राइस क्या है हमारी 333 रुपये, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि ये ओनली हम 333 में बेच रहे हैं, ठीक है। ये हमारी दूसरी पोस्ट तैयार हो गई इसी तरह, बल्कि ये हमारी पहली प्रोडक्ट थी, इसके अलावा फिर आगे दूसरी है, फिर तीसरी है। अच्छा, तो तीसरी हमारी प्रोडक्ट है, तीसरी है जी ये ये जो भी है इसका नाम, सही है जी, इसका नाम है फेस पाउडर 5 इन 1। तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, सही है, ये इसका नेम है और मैंने सिर्फ टाइटल कॉपी चेंज करना है, तो ये किया मैंने चेंज, सही है। और अब इसकी प्राइस 150 है, ठीक है। मैं ज़रा अट्रैक्टिवनेस के लिए मैं कहता हूँ कि 149, ठीक है, मैं ज़रा अट्रैक्टिव बनाना चाहता हूँ इसके अंदर। अच्छा, ये हमारा ऐड मुकम्मल हो गया, पहला जो है वो 3 सेकंड है, फिर 3 सेकंड, 3.5 सेकंड, फिर 3.5, फिर 3.5 सेकंड, ठीक है। ये तीनों प्रोडक्ट हो गई। अच्छा, मैं अब चाहता हूँ कि मैं ना कोई एक ऐसा इमेज लूँ जिसके अंदर एक और मैं ऐड बना दूँ, जिसके अंदर यहाँ पर ना ये तीनों नज़र आए, ठीक है, और उसके अंदर मैं कह दूँ कि यार ये सब कुछ शो हो। एक दफ़ा मैं आपको ना ये ऐड प्ले करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर प्ले का बटन आ रहा है ऊपर। अच्छा, ये विदाउट म्यूजिक है, म्यूजिक है नहीं इसमें, ठीक है। ये इसी तरह कुछ सेकंड के बाद हमारा जो ऐड है ये चलता रहेगा, ये वीडियो ऐड बन गया, ठीक है, इसमें म्यूजिक नहीं है। और ये कोशिश करें ये कोई 15-20 सेकंड का ही ऐड हो, इससे ज़्यादा हो ही ना। अच्छा, ये मेरा ऐड बन गया है। अच्छा, मैं चाह रहा था कि अब इसके अंदर एक और बन जाए, जिसके एक और तस्वीर आ जाए जिसके अंदर ये सारी प्रोडक्ट हों। तो मैं एलिमेंट के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर ना इसके ये बिल्कुल यही ये ग्रिड्स होती हैं, तो मैं देखता हूँ कोई ग्रिड मुझे ऐसी मिल जाए जिसके अंदर मेरी ये सारी प्रोडक्ट्स आ जाएं, तो मुझे कोई ऐसी ग्रिड मिल जाए। तो ग्रिड तो मुझे मिल गई है, लेकिन ये मैं चाह रहा था कि ये ना थोड़ी सी मुझे जगह भी दे दे, यानी कि इसके अंदर मैं मेरी नीचे मेरा टेक्स्ट भी आ जाए थोड़ा सा। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैंने सिंपली अपलोड पे जाना है। मिसाल के तौर पे ये मेरी पहली प्रोडक्ट है, मैंने इसे यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो ये यानी कि ये मेरी पहली प्रोडक्ट यहाँ पर आ गई, ये मेरी दूसरी प्रोडक्ट है यहाँ पर आ गई, और ये मेरी तीसरी प्रोडक्ट है वो ये मैंने बस आपने ड्रैग करके इस डब्बे के अंदर लेके आनी है, इस डब्बे के अंदर आ गई। अब मैंने यहाँ पर टेक्स्ट डालना है, तो लेट्स अज्यूम के